Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी जिंदगी के ऊपर, कौन आने वाले हैं, कौन आपको बेहद चाहते हैं. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी यूनिवर्स. फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं. प्लीज बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स. प्लीज गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द किंग ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, वी डू हैव द सिक्स ऑफ charisma. We do have the hanged man. Seven of charisma. We do have the death card. Page of charisma. Ooh. Achha. Fool. ओके, सो डेथ भी है, फूल भी है. बहुत बढ़िया, यहां से हम देखेंगे. आई होप इट इज विजिबल टू यू. We do have the cremation ground or meditation. भले एक चैरिट की कार्ड है लेकिन यहाँ पे मोर और लेस द डेथ इज डिपिक्टेड ओवर हियर. ओके, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन, इस पिक्चर को देख के मुझे जो याद आ रहा है वो मैं बताती हूँ आपको. सोलर रिटर्न, ओ वाओ, फिनिक्स, द सन, क्या बात है गाइस. टोटली बनानास. 29, the self-preservation. Magnificent cards have come. Magnificent. Okay. Basically, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. We do have the Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. We do have Aries and Scorpio, मेष और वृश्चिक राशि. फायर साइन अच्छे हैं बहुत ज़्यादा. कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे यस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे जजमेंट की कार्ड है, यहाँ पे सन की कार्ड है, यहाँ पे चैरिट की कार्ड है. सो ऑफ कोर्स इट लुक्स ग्रेट गाइस, इट लुक्स ग्रेट. आपके पर्सन जो है होंगे ना, जो भी आपके जिंदगी में आने वाले होंगे, दे विल बी लाइक सुपर कूल एंड दे विल बी सो स्मार्ट, सो आउटस्पोकन. कहीं ना कहीं पे मैं देख पा रही हूँ. 6, 7, 13. ओके, वी डू हैव 12, 7, 20, 24, 19, 55. दैट इज 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मंथ ऑफ अक्टूबर, द मंथ ऑफ मे जून, द मंथ ऑफ यस दिसंबर जनवरी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको ये बता सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन. आपके पर्सन लोगों की सहायता उस दौरान किए थे, बहुत सारे लोगों की सहायता किए थे उस दौरान. मे बी इन एनी टाइप ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस, जैसे कोई जब स्वाइन फ्लू आया या कोविड आया, मे बी योर पर्सन मे बी एज अ डॉक्टर, ओके, एंड ही और शी हैड सर्वड ऑलरेडी, उनके वजह से उनको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी मिला है. मे बी देवर नर्सेस और रजिस्टर्ड नर्सेस और एनी वन,
मे बी रिलेटेड टू मेडिसिन हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू एनी एनी पर्सन दे कैन बी, ठीक है, प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मे बी बहुत ज़्यादा मदद किया। इस तरह से दिख रहा है कि कोई एपिडेमिक डिजीज़ के दौरान ये इंसान अपने जान की परवाह नहीं किए, इवन ये कभी भी अपने जान का परवाह नहीं करते, ये बहुत ही ज़्यादा अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, इवन वर्ल्ड के लिए भी ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा। दे आर रियली ब्राइट, देर आउटस्टैंडिंग, देर मेरिट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये तभी लोग सहायता, आपको पता है, कर पाते हैं लोगों का उस दौरान जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मे बी ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज, ये इंसान आगे आ जाते हैं बिकॉज दे हैव दैट स्टैमिना, ठीक है। और इनका सपना भी होगा कि बहुत सारे लोगों को मदद करना। ये इंसान की नज़रिया बिल्कुल दूसरे लोगों के नज़रिए से अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका प्राइवेट लाइफ बोल के कुछ है नहीं। यस, दे कैन हैव फार्म हाउसेज ऑल्सो, हो सकता है कि उनके गांव में अलग सा बहुत बड़ा एक फार्म हाउस हो, उनके कुछ अलग अलग शौक हो सकते हैं। दे कैन हैव रॉयल टेस्ट एंड रॉयल, यू कैन से लाइक फीचर्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। इंसान दिखने में बहुत गॉर्जियस है और अपने स्टेप जब लेते हैं तो जैसे लोग उनके तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, कि जिस तरह से इनका चलना, बोलना, द वे दे स्पीक, द वे दे डेमॉन्स्ट्रेट, दे कैन बी अ ट्रेनर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ, हो सकता है इनका कोई लाइट्स का बिजनेस हो, लाइट्स, ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, लाइक फिलिप्स कंपनी, एनी कंपनीज लाइक दैट। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है ये इंसान का जब जन्म हुआ था मे बी उस दौरान अमावस्या था या उस दौरान कोई ग्रहण था, मे बी इट इज़ लाइक दैट। ये इंसान जितना आपको सिंपल दिखेंगे उतना ही वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है। आपको लगेगा जब दाल चावल इज़ लाइक अ सिंपल एंड कॉम्फी फूड, इट्स लाइक अ कम्फर्ट फूड, हैवी नहीं है स्टोमैक के ऊपर, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट, ठीक है। उबला हुआ चावल, उबला हुआ सब्जी पेट के लिए बहुत अच्छा है, बट तेल, भारी मात्रा में नमक, ठीक है, भारी मात्रा में यू कैन से दैट मसाले, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, एवरी डे इट इज़ नॉट गुड। ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, उस सब चीज़ का तो ध्यान रखते ही है, एंड दे ऑल्सो एंटरटेन पीपल, लाइक उनके घर में कोई आएंगे तो ऑफकोर्स ये ऑफर करेंगे ड्रिंक्स का। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द हार्ड ड्रिंक्स, बट हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, एनीथिंग लाइक शरबत वरबत जो भी हो, एंटरटेन बहुत अच्छा से करते हैं। इनके कैपेसिटी जितना अनुसार जितना भी है, एंड दे ट्रीट इक्वली, ऐसा नहीं है अगर इनके घर में किसी का शादी है और इनको इंचार्ज बनाया गया है कि आप सारे गेस्ट को संभाल लेना, खाने वाने का जगह पे देख लेना, तो ये हर एक गेस्ट को सेम ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि उनके रिलेटिव है बोल के वो ज़्यादा दे रहे हैं, नो, दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ नेपोटिज्म और पार्शियलिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ऑफिस में या प्रोफेशनल एरिया में ऐसा कुछ करते नहीं हैं, दे आर रियली रियली ऑसम, यू नो। इनको बहुत बार हराया गया है बट इनका हमेशा ही शुरुआत होता है, बिकॉज यू नो व्हाट, फूल के नीचे था मैजिशियन की कार्ड, सो यू कैनॉट लाइक यू नो। इनका आईब्रोज थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है, इनके कान बाहर की तरफ हो सकता है, मस्टैच हो सकता है फॉर मेल, बियर्ड हो सकता है ट्रिम्ड रखते हैं या क्लीन शेवन, टैटूज हो सकते हैं फॉर फीमेल, आई कैन फाइंड वेरी विटिश कम्प्लेक्शन एंड डस्की कम्प्लेक्शन बट वेरी मच ग्लोइंग स्किन, फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है, माँ काली की भक्त हो सकती है या हो सकता है, या कोई ऐसे देवता या देवी जो शायद उस कल्चर में ही बहुत पॉपुलर हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दे आर वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो एंड दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। इनको हो सकता है कि इनके खानदान में ऐसा कोई होगा, ठीक है, जो हो सकता है कि मे बी दे आर फॉरेस्ट ऑफिसर्स या दे आर रिसर्चर्स, दे नो एनिमल्स अलॉट, एनिमल्स की जानकारी इनके पास होगा, जिस एनिमल से वो लोग डरते हैं ये उनके बहुत फ्रेंड्स है, इस तरह के अनोखे इंसान। आई डू फाइंड कि इंसान
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे स्पिरिट्स के साथ बहुत लेना देना होता है, अब जानते ही है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर गौरव वॉज देयर बट ही इज़ नाउ नो मोर बेसिकली. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि दे आर नॉट यू नो व्हाट, डरपोक तो बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो ये इस चीज़ से डरते हैं कि अगर ये कुछ चीज़ खो देंगे तो उनके फैमिली के ऊपर बहुत आ जा सकता है और कुछ नहीं, बाकी उनको कुछ चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है. एंड दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दे कैन बी एन आर्कियोलॉजिस्ट, दे कैन बी अ एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, दे कैन बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे कैन बी अ डॉक्टर डीलिंग विद द डेड बॉडीज लाइक पोस्टमार्टम, फोरेंसिक टेक्निकल डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटेटिव रिलेटेड जॉब्स, ओके, और हो सकता है कि इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का. यहाँ से हम देख लेते हैं, दे हैव वेरी पियर्सिंग आईज, और इनके जो एज है, हो सकता है कि आपके फादर इन लॉ, हो सकता है कि कोई मिलिट्री में होंगे, या आपके हो सकता है कि कोई ऐसा परिवार में तो होगा जो मिलिट्री से या पुलिस फोर्स से हो सकता है. ओके, सो वी डू हैव अगेन अ सेवन एस प्योर नेचर विच इज़ द चैरियट कार्ड. रथ कभी रुकता नहीं है, आप जानते ही है इसको एक्सप्लेन मैं और क्या करूँ. एंड दे आर वेरी मच ब्यूटिफुल एंड दे आर रियली गॉर्जियस एंड दे आर वेरी बोल्ड. बोल्डनेस, सिंसेरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी इनके डिक्शनरी में है, ठीक है. ये बेईमानी नहीं करते, कहीं पर भी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कभी भी क्लाइंट्स के साथ बेईमानी नहीं करते. अ लॉन्ग वे होम, जितना मैनिपुलेशन होना है वो हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट दे डोंट डू इट इंटेंशनली. 52 द सी विच, बेसिकली ये इंसान जो है, आई डू फाइंड दे हैव डेप्थ ऑफ नॉलेज. जनरली समंदर को माना जाता है कि इसके अंदर जो भी क्रीचर्स है, इसके अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी प्लांट्स रहते हैं, जो भी फिशेस रहते हैं, तो उसके बारे में जितना हम जानते हैं वो कम है, क्योंकि ज़मीन पर जो रहता है वो तो हमें पता चल जाता है, बट अंडर द सी व्हाट इज़ हैपनिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो ये रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरह से करते हैं. एंड दे आर ऑलवेज, आई कैन फाइंड दैट दे आर नेवर शाई. मे बी ये जब बचपन में थे, हो सकता है कि काफ़ी उल्टा था, काफ़ी ज़्यादा डरपोक थे, और जब ये बड़े होना शुरू किए, दे आर ट्रांसफॉर्मेशन वॉज रियली लाइक इनक्रेडिबल. यहाँ से हम देख लेते हैं गाइज, आपके घर के आसपास कोई शमशान हो सकता है, या कोई ऐसा सिमेट्री हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको भी कुछ पैरानॉर्मल फीचर्स आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है. ओके, अवनी किसी का नाम हो सकता है, आरव, आरोही, ओके, माया, ओके, मंजू, मनीष, मीता, माही, आंसर, दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ आंसर्स टू यू. ओके, दे कैन बी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. 2 and 9 या 2 and 6 कैन बी लाइफ पाथ नंबर्स. ओके, मैनेजर, दे आर मैनेजर्स, दे आर एफिशियंट मैनेजर्स. हाई कोर्ट, मे बी दे वर्क इन हाई कोर्ट, मे बी महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन स्टेट दैट इज कमिंग. ओके, दे आर अनिमेश, ओके, ओके ओके ओके.
डे, हो सकता है जिस दौरान आप मिले वो डे टाइम हो, इट कैन बी डे टाइम, ओके, दे कैन बी एजुकेटर, दे कैन बी योर एक्स ऑल्सो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.